नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में ये हमारा 21वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वार का टॉपिक जब भी यूपीएससी सिलेबस में आता है तो यूपीएससी फोकस करती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। यूपीएससी ये पूछ सकती है कि ये युद्ध यानी वार स्टार्ट क्यों हुआ, कौन सी सर्कमस्टांसिस थी जिसकी वजह से युद्ध स्टार्ट हुआ। यूपीएससी ये नहीं पूछती कि वार के दौरान क्या हुआ, कौन कौन सी बैटल्स लड़ी गई, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, या फिर कौन से देश की तरफ से कितने सैनिक लड़े, कौन से हथियारों का यूज हुआ। नहीं, ये सब चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछती। ये पूछ सकती है कि कंसिक्वेंसेस क्या हुए इस युद्ध के। तो जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार डिस्कस किया था, उसी प्रकार से यूपीएससी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में। पहले हम बात करेंगे रीजन्स की, कारण क्या है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, आपको याद होगा, हिटलर की जो मांगे थी, हिटलर का जो लालच था वो लगातार बढ़ रहा था। हिटलर ने मांग की कि डैनजिग पोर्ट और इसके अलावा पोलिस कॉरिडोर में एक रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी दी जाए जर्मनी को, ताकि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन इस्टाब्लिश हो सके। अब देखो, इस डिमांड से पहले, जब हिटलर ने डैनजिग पोर्ट और पोलिस कॉरिडोर के अंदर कनेक्टिविटी मांगी, इस डिमांड से पहले इंग्लैंड और फ्रांस लगातार जर्मनी और हिटलर की गलत मांगों को पूरा कर रहे थे, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपनाए हुए थे इंग्लैंड और फ्रांस। लेकिन इस पॉइंट पे जब हिटलर ने डैनजिग पोर्ट और पोलिस कॉरिडोर के अंदर कनेक्टिविटी मांगी, तो इंग्लैंड और फ्रांस समझ गए थे इस बात को कि हिटलर की डिमांड्स का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है हिटलर की डिमांड्स का। इसलिए उन्होंने हिटलर को ना कह दिया, यानी अपनी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को छोड़ दिया। लेकिन हिटलर तो हिटलर थे, उन्होंने इस ना को अस्वीकार करते हुए पोलैंड पे हमला कर दिया। और जैसे ही पोलैंड पे हमला किया हिटलर ने, सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंग्लैंड ने और फ्रांस ने समर्थन किया पोलैंड का, तो लड़ाई स्टार्ट हो गई जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया। अब देखो, रीजंस की बात करें तो सबसे पहला रीजन है ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स। इस ट्रीटी में जर्मनी को काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बैठना भी नहीं दिया गया था, और इवन जो सारे का सारा जो वार का दोष था वो जर्मनी पे मर दिया गया था। यानी जर्मनी ही पूरी तरह से जिम्मेदार है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। और इवन जर्मनी को यह भी कहा गया कि विक्टर पावर को आप पैसे दीजिए मुआवजे के तौर पे। तो अब देखो, ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स जो थी वो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन वाली थी जर्मनी के लिए। इस ट्रीटी की वजह से राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा उग्र हो गया जर्मनी में, और उसी राष्ट्रवाद को हिटलर एक्सप्लोइट कर सका, समझ गए। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स पहला रीजन है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप इकोनॉमिक क्राइसिस को भी दोष दे सकते हो। 1929 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जो रिसेशन आया था, उसी रिसेशन की वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो जर्मनी की पूरी तरह से चरमरा गई थी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, हिटलर ने बहुत ज़्यादा वादे किए वहाँ पे जनता से और सत्ता हथिया ली। तो ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखो, तीसरा रीजन आता है अपीजमेंट पॉलिसी। अगर फ्रांस और इंग्लैंड हिटलर की गलत मांगों को नहीं मानते, या फिर फासिस्ट फोर्सेस की गलत मांगों को नहीं मानते, तो फिर ये युद्ध स्टार्ट ही नहीं होता। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स के जो प्रोविजंस थे, चाहे वो गलत थे, अगर उनको फॉलो किया जाता सभी कंट्रीज के द्वारा, अगर लीग ऑफ नेशंस के जो प्रोविजंस थे लीग ऑफ नेशंस की मानी जाती, तो ये नौबत नहीं आती वार स्टार्ट होने की। तो आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अलग से लिख सकते हो, और जो लीग ऑफ नेशंस का फेल होना, ये पॉइंट आप अलग से लिख सकते हो। देखो, कई सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट में मत लिखा करो, क्योंकि अलग अलग पॉइंट लिखेंगे अलग अलग डायमेंशन में तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये चार पॉइंट हो गए अभी तक। फिर उसके बाद में नॉन एग्रेशन पैक्ट को भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का एक रीज़न ये भी था क्योंकि इंग्लैंड और जो फ्रांस थे उनको ये लगता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का सामना किया जा सकता है फासिस्ट आइडियोलॉजी की सहायता से। यानी यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए जर्मनी और इटली, ये देश मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह हुई, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने से पहले एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ। किन किन के बीच में यह नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ? जर्मनी के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। क्या था इस नॉन एग्रेशन पैक्ट में? इस नॉन एग्रेशन पैक्ट में यह था कि जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड पे
और रशिया यानी यूएसएसआर, उसमें यूएसएसआर था, यूएसएसआर रहेगा न्यूट्रल, यानी कुछ भी नहीं बोलेगा यूएसएसआर। और यूएसएसआर न्यूट्रल क्यों रहेगा, क्योंकि जब जर्मनी अटैक करेगा पोलैंड पे, पोलैंड को जीतेगा तो कुछ टेरिटरीज दी जाएगी यूएसएसआर को। तो ये देखो कितनी हैरानी वाली बात है। एक तरफ तो इंग्लैंड और फ्रांस को ये लग रहा था कि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सकता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर किया जा सकता है हिटलर की सहायता से, दूसरी तरफ वो दोनों ही एक हो गए, वो दोनों दोस्त बन गए। तो यहां पे तो बहुत ज्यादा हैरानी हुई इंग्लैंड को और फ्रांस को। तो इसीलिए उन्होंने हिटलर की जो डिमांड्स थी उनको बंद कहना स्टार्ट कर दिया, ना कहना स्टार्ट कर दिया, और पोलैंड पे जैसे ही अटैक किया जर्मनी ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो आप पांचवा रीजन यहां पर लिख सकते हो, नॉन एग्रेशन पैक्ट, जो कि साइन हुआ था किस किसके बीच में, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में। छठा पॉइंट आप डिस्ट्रस्ट भी लिख सकते हो, डिस्ट्रस्ट किस किसके बीच में, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करती थी, जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस। अब देखो इंग्लैंड और फ्रांस को यूएसएसआर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यूएसएसआर में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, और यहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो इनको ये लगता था इंग्लैंड और फ्रांस को कि कहीं यूएसएसआर स्टेप्स ना उठाए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस में, इसलिए डिस्ट्रस्ट काफी ज्यादा था, और इसी डिस्ट्रस्ट का फायदा उठाया हिटलर ने। और सातवां पॉइंट आप हिटलर को भी दोषी ठहरा सकते हो, क्योंकि देखो हिटलर फॉलो करता था फासिज्म की आइडियोलॉजी। हिटलर का अल्टीमेट एम ये था कि जर्मनी की जो टेरिटरी है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड किया जाए और जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जर्मन्स के लिए ज्यादा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो। तो हिटलर के इन्हीं आइडियाज के चलते कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक ना एक दिन तो वर्ल्ड वार होना ही था, और ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ जब हिटलर ने यानी जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे। ये अटैक किया गया था 1939 में, और जैसे ही ये अटैक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी हमने बात की, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे कंसिक्वेंसेस की, तो हम एक बार खाली पेज ले लेते हैं। एक बार कंसिक्वेंसेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन की, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, भारी तबाही मची सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, ऑलमोस्ट 40 मिलियंस लोग मारे गए। अकेले हिटलर ने अपनी जर्मनी में जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इस्टाब्लिश किए थे, 6 मिलियन ज्यूज की हत्या की गई उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, होलोकास्ट जिसे कहा जाता है। और जर्मनी, फ्रांस, वेस्ट रशिया में बहुत सारी सिटीज बुरी तरह से तबाह हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो बहुत ज़्यादा तबाही मची सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो डिस्ट्रक्शन है पहला पॉइंट। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है पीस सेटलमेंट। देखो आपको याद होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो उसके बाद काफी सारी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जैसे जर्मनी के साइन हुई थी, और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी के साथ साइन हुई थी वो एक मेजर कारण बनी जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। लीग ऑफ नेशंस भी बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। अब देखो जैसे ट्रीटी साइन हुई थी डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, यानी हारी हुई कंट्रीज के साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, अब विक्टर पावर्स ने सीख लेते हुए हारी हुई पावर्स के साथ में इस तरह की लार्ज स्केल पे ट्रीटी साइन नहीं की, लेकिन हाँ जैसे लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, ठीक उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस यानी जो अभी संयुक्त राष्ट्र है वो बना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको थर्ड वर्ल्ड वार ना झेलना पड़े, इसी उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया था। तो आप लिख सकते हैं पीस सेटलमेंट। पीस सेटलमेंट में काफी सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, यूएन या फिर डिफरेंट ट्रीटीज इस बार साइन नहीं हुई थी हारी हुई पावर्स के साथ में, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है माइग्रेशन का। अब देखो हिटलर की जो मांगे थी वो लगातार बढ़ रही थी, उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि जो जर्मन्स थे वो विभिन्न कंट्रीज में फैले हुए थे, जर्मनी के आसपास बहुत जो अलग अलग कंट्रीज थे वहां पे भी जर्मन लोग रहते थे, जर्मन लोग रहते थे इसी वजह से हिटलर अपना दावा ठोक देता था। हिटलर कहता था कि यहां पे जर्मन लोग रहते हैं इसीलिए इस टेरिटरी पे हमारा कब्जा होगा, लेकिन अब जो जर्मन लोग विभिन्न कंट्रीज में फैले हुए थे उनका माइग्रेशन स्टार्ट हो गया जर्मनी के अंदर, ताकि सारे जर्मन्स एक ही जगह पे रहेंगे तो फ्यूचर में जर्मनी की जो सरकार होगी वो दूसरे देशों पे कुछ जगह पे अपना दावा नहीं ठोक सकेगी, समझ गए, यानी माइग्रेशन स्टार्ट हो गया दूसरे देशों से जर्मन लोगों का, वो जर्मनी की तरफ आने लगे। तो तीसरा पॉइंट है माइग्रेशन। चौथा पॉइंट है न्यूक्लियराइजेशन। देखो 1945 में यूएसए ने इस्तेमाल किया अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब। काफी सारे रीजंस हैं, वो एक अलग कहानी है कि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल क्यों किया।
यूएसए के द्वारा यह आर्ग्यूमेंट दिया गया कि हम वार को जल्दी खत्म करना चाहते थे, जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया जापान ने घुटने टेक दिए और वार खत्म हो गया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि वार तो उस पहले ही खत्म हो चुका था और वार खत्म करना कोई एक बहुत बड़ा इशू उस समय पे नहीं था, लेकिन यूएसए अपने आप को असर्टिव घोषित करना चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में अब एक ही पावर है यूएसए, मतलब कि यूएसएसआर को धमकाना चाहता था, यूएसएसआर को दबा के रखना चाहता था यूएसए, और इसी वजह से थ्रेटन करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पे। क्योंकि देखो अब इसको अलग से पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि जो न्यू पावर्स बन के उभरी, अब इससे पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो बड़ी पावर्स थी वो थी यूके फ्रांस, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप का दबदबा था वो कम हो गया। जो इंग्लैंड का यूके का एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसमें बहुत सारी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी थी, वो एम्पायर टूट गया। जैसे इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तो उस समय और भी बहुत सारी कंट्रीज को आज़ादी मिली, तो इंग्लैंड की जो प्रेस्टीज थी, यूके की जो प्रेस्टीज थी वो खत्म हो गई। नई पावर्स बन के उभरी पूरे वर्ल्ड में यूएसएसआर और यूएसए, ये दो सबसे बड़ी पावर्स बन के उभरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, समझ गए? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि न्यू पावर्स इमर्ज After the Second World War। उसके बाद में पॉइंट आता है यूएन का। यूएन का पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसको आप अलग से लिखिएगा कंसिक्वेंसेस के तौर पे। इवन जो हमने अभी डिस्कस किया डीकोलोनाइजेशन, यानी डिफरेंट जो कॉलोनीज थी वो आजाद होना स्टार्ट हो गया, जैसे इंडिया आजाद हुआ ठीक उसी तर्ज पे काफी सारी जो कॉलोनीज थी वो बड़े बड़े एम्पायर से आजाद होने स्टार्ट हो गई। डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यह है सातवां पॉइंट। उसके बाद आठवां पॉइंट आता है थर्ड वर्ल्ड का। थर्ड वर्ल्ड मतलब वो कंट्रीज जो काफ़ी पिछड़ी हुई थी, जो किसी भी ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट है कि कोल्ड वार स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। कोल्ड वार की जो नींव थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार में रखी गई थी। तो कोल्ड वार लड़ा जा रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी कि किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती थी, ना तो वो यूएसए के ग्रुप में शामिल होना चाहती थी और ना ही यूएसएसआर के। तो नैम का कंसेप्ट आया और जिसमें इंडिया का अहम योगदान रहा, यानी नॉन अलाइंड कंट्रीज, वो कंट्रीज जो अभी अभी आजाद हुए हैं, जो काफी पिछड़े हुए हैं, जो मिलिट्री रूप से किसी भी अलायंस में शामिल अभी नहीं होना चाहते, यानी अभी वो युद्ध लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश का विकास करना चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट आया सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, और कोल्ड वार लड़ा गया यूएसएसए द्वारा लेड ग्रुप और यूएसएसआर के द्वारा लेड जो ग्रुप था उनके बीच में, जिसकी नींव रखी गई थी सेकंड वर्ल्ड वार में। तो देखो ये सारे कंसिक्वेंसेज हैं जो आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी पूछती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कि कंसिक्वेंसेज क्या हुए सेकंड वर्ल्ड वार के, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो इसी टॉपिक के साथ सेकंड वर्ल्ड वार तक हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। आप एक काम और कीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार पे जब आप बोर हो रहे होंगे, यानी खाली समय जब आपके पास होगा, तो कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेना, बीबीसी की या फिर डिस्कवरी की हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेना, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, और ये सारी जो बैटल्स हैं जो हमने छोड़ दी हैं यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे एथिक्स में एटीट्यूड के बारे में, एथिक्स का पांचवा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कल। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।